हाय फ्रेंड, वेलकम टू बिप्लब पेट्स वर्ल्ड। आज की टॉपिक लो बजट मिनी बेटा फिश फार्म सेटअप। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और कोई फ्रेंड अगर बेटा फिश फार्म करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो। बेटा फिश या फाइटर फिश फार्म सेटअप बहुत ही कम जगह में आप कर पाओगे और इसके बजट भी इतना ज़्यादा नहीं है और बेटा फिश ब्रीडिंग भी बहुत इजी है। बेटा फिश फार्म सेटअप करने के लिए आपको प्लास्टिक का जार लेना पड़ेगा। आप मिनिमम 6 पीस प्लास्टिक का जार ले लीजिए। मेरा वीडियो में जैसे दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा जार आपको 5 रुपीज़ में मार्केट में मिल जाएगा। और किसी अच्छे फार्मर के पास से आप 6 पीस फीमेल बेटा ले लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपीज़ एक पीस आएगा। 6 पीस जार के लिए आपको आएगा 5 × 6 मतलब 30 रुपीज़। और 6 पीस बेटा फिश के लिए आपको आएगा 150 × 6 मतलब 900 रुपीज़। 930 रुपीज़ में आपकी मेल बेटा फिश रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको 6 पीस फीमेल बेटा फिश लेना पड़ेगा जो आपको पर पीस 60 रुपीज़ करके मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट होगा 6 × 60 मतलब 360 रुपीज़। और फीमेल बेटा फिश को रखने के लिए आपको वो थर्मोकोल की बॉक्स और पॉलीथीन की मदद से एक टैंक बनाना पड़ेगा जिसका टोटल कॉस्ट आएगा 100 रुपीज़। और एक टैंक आपको लेना पड़ेगा बेबीज़ को रखने के लिए। टोटल कॉस्ट मेल बेटा के लिए आपको 930 रुपीज़, फीमेल बेटा के लिए आपको 360 रुपीज़ और टैंक के पर्पज़ 200 रुपीज़। और ब्रीडिंग के लिए आपको छोटा टॉब या प्लास्टिक का ट्रे लेना पड़ेगा जिसका भाव आएगा 50 रुपीज़। टोटल कॉस्ट 1540 रुपीज़। 1540 रुपीज़ में आप मिनी बेटा फिश फार्म स्टार्ट कर पाएंगे। ऐसे सेटअप रेडी होने के बाद आप दोनों फिशेस को, मेल और फीमेल फिश को, थोड़ा लाइव फूड खिलाइए और अच्छा फूड 15 दिन तक खिलाने के बाद आप अपने बेटा फिश को ब्रीडिंग में बिठाइए। ब्रीडिंग में बिठाने के बाद आपका जब फ्राई आएगा, अब उसे बड़ा करने के लिए वो जो अपने दो टैंक लिया उसमें शिफ्ट कर दीजिए। और आपके फ्राई जब धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, अब और दो एक टैंक धीरे धीरे बढ़ाइए। नेक्स्ट वीडियो बेटा फिश की फुल ब्रीडिंग सेटअप। तो फ्रेंड आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।